हमीरपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष सुमेरपुर पर स्थानीय लोगों की ओर से आरोप लगाए गए हैं, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी राहुल पांडे को तहरीर देकर मामले से अवगत कराया। लोगों का कहना है कि कस्बे के रहने वाले राजेश शिवहरे ने बगैर परमिशन के फर्जी ढंग से दलितों की जमीन का बेनामा करा लिया है। लोगों ने डीएम से कार्रवाई की मांग की है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिलाधिकारी हमीरपुर को जांच के लिए निर्देशित किया। राजेश शिवहरे, उनके दोनों पुत्र कूट रचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी संस्थाएं करके स्कूल खड़ा करना, नाबालिग होते हुए फर्जी जमीनें खरीदना हरजनों की, उनके अधिकारों का हनन करना और फर्जी शनाब, जबकि धीरेन्द्र उर्फ ऐसर शनाब गोबरा होना चाहिए, तो धीरेन्द्र उर्फ ऐसर शनाब राजेश शिवहरे लिख के फर्जी नामांकन पत्र पे नाम डाल के चुनाव जीते। इस सपक्ष में हम डीएम साहब के पास आए थे। डीएम साहब ने एक समिति बना दी है, उसके तहत जांच करेगी, फिर जैसा होगा। ये सुमेरपुर के जो नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन हैं धीरेन्द्र शिवहरे, पुत्र जो है राजेश शिवहरे, उनसे संबंधित, उनके स्कूलों से संबंधित, उनके जमीनों से संबंधित ज्ञापन हमने जो है डीएम साहब को सौंपा है कि जो जाँच का विषय है और जो उनके ऊपर आरोप हैं या जो उनके साक्ष्य दिए वो गंभीर हैं। उन्होंने अपने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अपने दोनों पुत्रों को जो है एडाप्टेशन किया हुआ है, जो मेरे हिसाब से गंभीर अपराध है, वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।